गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपको पता है कि हमारे कुछ महीनों से वीडियो नहीं आ रही थी कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से, पर छोड़ो उन पर्सनल इश्यूज को, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जो भी इस चैनल में नए पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। नाउ इस वीडियो में हम जो हमारे में वीडियो का मेन मोटिव है वो है कि हमें पोको F1 लेना चाहिए कि सैमसंग गैलेक्सी A50। तो उसी को हम हल कर रहे हैं, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और इसी वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी A50 की भी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो पहले हम सैमसंग गैलेक्सी A50 की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है इसका बॉक्स। यहां पे सबसे ऊपर हमें मिलता है मोबाइल फोन रखा हुआ और हम मोबाइल फोन को करते हैं स्टार्ट और इसे रख देते हैं हम परे। नाउ हम इसके बॉक्स कंटेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले वहां पे बिल था। ये है इसका फास्ट चार्जर जिसकी आउटपुट है आपकी 9 वोल्ट और 1.67 एम्पियर्स और ये फास्ट चार्जर है। नाउ इसमें ये है इसकी यूएसबी सी टाइप केबल और वो है ईयरपॉड्स। और ये फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसका कि इसमें यूएसबी सी टाइप केबल दी है। अब उधर इधर नीचे रखा है आपका सिम इंजेक्टर 2। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी ये हमसे स्किप हो गया था, ये मोबाइल फोन के ऊपर रखा था तो ये बॉक्स के साथ ही खुल गया। यहाँ पे मिलता है हमें केस सिंपल सा, कुछ पेपर वर्क और स्टार्टअप गाइड। और हमारा फोन हो गया है यहाँ पे पूरा सेटअप। और अब हम इसको चेक करते हैं और ये है हमारा सिंपल सा, हमने लॉक नहीं लगाया अभी कोई भी। ये देख सकते हैं आप इसमें सिंपल बिग आइकन्स के साथ। चलिए अब हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसकी इसकी जो स्क्रीन है वो 6.4 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन है जिसकी रेजोल्यूशन है 2340x1080p और ये बेजल लेस स्क्रीन है और इसको ये वाटर ड्रॉपलेट नॉच के साथ आती है, लेकिन सैमसंग ने इसको इनफिनिट यू डिस्प्ले बोला है और कुछ कंपनी इसे वाटर ड्रॉप नॉच बोलती है, कुछ इसे यू नॉच बोलती है एंड एक्सेट्रा। और इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 19:5:9 है। तो और इसका जो सिम स्लॉट है वो है 2 नैनो सिम्स विद 1 माइक्रो SD कार्ड। यहां पे आप देख सकते हैं और हमने इसमें एक SD कार्ड इंसर्ट कर लिया है और एक सिम भी इंसर्ट कर ली है। चलो इसे करते हैं हम बंद और आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसका जो प्रोसेसर है वो है Exynos 7 9 जिसका जो मॉडल जो जैसे इसका वर्जन है वो है 9610 और ये लेटेस्ट वर्जन है। इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसमें जो GPU है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट वो है माली G72 MB। और यही जो आपको जो आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको सैमसंग S10 और S10 प्लस में भी देखने को मिलता है क्योंकि ये लेटेस्ट है। इसका जो एंड्रॉइड वर्जन है वो है 9 Pie जो कि लेटेस्ट है और इसमें इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है। चलो अब मैं आपको इसकी एक और चीज दिखाता हूं। जैसे कि हमारा सिंपल सा पैटर्न है इसमें हम स्मॉल एल बनाते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ कंपनीज जैसे अगर आप ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो हाफ ही देते हैं, लेकिन सैमसंग ने यहाँ पे फुल दिया है जो बहुत अच्छी बात है, जो एक आईफोन यूजर की तरह आईफोन की तरह इंटरफेस करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फेस अनलॉक की तरफ। हम इसको जल्दी से सेटअप करते हैं। यहां पे जाएंगे हम लॉक स्क्रीन में और लॉक स्क्रीन टाइप में हम सबसे नीचे जाके फेस रिकॉग्निशन में जाएंगे। जल्दी से करते हैं हम इसको सेटअप और यहां पे हम फेस अनलॉक इसमें सेटअप कर चुके हैं पूरा और हम इसके फेस अनलॉक को चेक करते हैं। ये किया हमने लॉक और लॉक ऑन और यहां पे इंस्टेंटली ऑन हो गया। अब मैं देख रहा हूं और अभी मैं नहीं देख रहा हूं इसकी तरफ और अब मैं देख रहा हूं और इंस्टेंट अनलॉक। तो ये बहुत फास्ट है और इसी तरह अगर हम इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी अब चेक करेंगे। हम यहां पे सेटिंग में आ चुके हैं और हम वैसे ही उधर फिर से लॉक स्क्रीन में जाएंगे और यहां पे सबसे नीचे जाके फिंगरप्रिंट में जाएंगे।
अब हम फिंगर प्लेस करते हैं। ये बहुत टाइम कुछ टाइम लेगा इसलिए हम स्किप। यहाँ पे हमने इसको सेटअप कर लिया है पूरा और अब हम इसको लॉक करते हैं और अब हम इसमें फिंगरप्रिंट चेक करते हैं। इट्स क्वाइट फास्ट, जैसे मतलब वन प्लस के बराबर है, जैसे मैंने वन प्लस भी यूज किया है तो उसी के बराबर है लगभग लगभग। दोस्तों अब हम इसके कैमरा की तरफ बढ़ते हैं। जो इसका फ्रंट कैमरा है वो है 25 मेगापिक्सल का और जो इसके रियर में 3 कैमराज हैं वो है 25 + 5 + 8। जो इसका थर्ड कैमरा है वो इसके जो एंगल है उसको बढ़ाता है जिससे लार्ज एंगल व्यू में मिलता है। तो अभी हम इसका कैमरा चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं और हम इसके वाइड एंगल में देखते हैं थोड़ी देर में। तो आप देख सकते हैं कितना एंगल बढ़ गया है इसका। अब इसी कुछ फोटोज जो है मैं आपकी कंप्यूटर आपकी जो स्क्रीन्स होगी उसमें मैं डाल। जैसे कि आप देख सकते हैं हम इसके रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा में कितना कितनी अच्छी फोटोज आती है इसकी। अब हम आते हैं अपनी वीडियो के मेन मुद्दे पे जो कि है आपको पोको एफ वन लेना चाहिए कि सैमसंग गैलेक्सी A50। तो जो पहला जो सैमसंग गैलेक्सी A50 जहां पे इससे लीड है करता है पोको एफ वन से आगे होता है तो इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो कि पोको एफ वन में आपको नहीं मिलती है। इसमें इन स्क्रीन जो आपको पोको एफ वन में गाइस प्रोसेसर मिलता है वो है स्नैपड्रैगन 845 और जो आपको सैमसंग गैलेक्सी A50 में मिलता है वो है एक्सिनोस 7 9 6 1 0। और बस प्रोसेसिंग के मामले में जो पोको एफ वन है वो सैमसंग गैलेक्सी A50 को मात देता है और थोड़ा फास्ट है उससे। और लेकिन जो पोको एफ वन है उसमें आपको कई ऐसे फीचर्स है जो आपको मिलते नहीं जो सैमसंग A50 में आपको मिलते हैं, जैसे कि ट्रिपल कैमरा, वाइड एंगल कैमरा जो कि उसका थर्ड कैमरा है वो वाइड एंगल कैमरा है। पोको एफ वन में आपको सिर्फ डुअल कैमरा मिलता है और पोको एफ वन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी A50 में मिलता है। और जो सैमसंग गैलेक्सी है वो लेस बेजल को सपोर्ट करता है पोको एफ वन से, ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही। और अगर आपको इसका प्राइस जानना है तो ये है आपको 22,990 और जो पोको एफ वन है उसका प्राइस है आपका 23,000 अबाउट। और बस यही था हमारी वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े और आपको हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Give a thumbs up to this video. Thank you very much.